चंडीपट्टी, हमें से जो जीतेगा उसके लिए है लेटेस्ट गड्डी। पता है वही गड्डी जो पिछले 10 सालों से भंगार की दुकान में पड़ी है। इसमें हंसने की क्या बात है मंकी चंकी, मेरे पास गड्डी तो है, तुम्हारे पास हद गड्डी भी नहीं। उठो और लड़ो। वो देखो कहाँ, वहाँ गोलगप्पे। क्या पप्पड़ का चूल्हा चौप मार दिया पप्पड़ वाले ने। क्यों, निकल गई ना टायर से हवा, अब मेरे हमले का सामना करो नौजवान। मैं नौजवान नहीं हूँ, मैं एक ही जवान हूँ। यहाँ तो इतने सारे जवान आ गए। मारो पप्पड़ो। कौन, बाबूजी? शिफु घर में, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। इतना शोर क्यों हो रहा है? शुक्र है आप अभी तक जिंदा है। शांति वन में वन बाय वन बहुत क्राइम हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए। झकास! ओ बकवास बंद करो, ये सीरियस मामला है। सॉरी, मेरा मतलब है एकदम बकवास। चुप हो जाओ वरना भेजूंगा वनवास। उस छगन चोर ने फ्री फंड में मेरा चुरा लिया है श्रीखंड, अब मैं अपना ढाबा चलाने के लिए कहाँ से लाऊंगा फंड? जल्दी करो वरना मैं कंगाल हो जाऊंगा। वो जब भी जहाँ भी चोरी करके जाता है तो उसका ऐसा ही पोस्टर चिपका के चला जाता है। मंकी तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना ज्यादा खा लिया। चिंता मत करो, हम देख लेंगे मिस्टर पिंगू। शेरी, मंकी। एक मिनट रुको शिफू, आप यही सोच रहे हैं ना कि पो की झकास कातिलाना तीरे नजर से कोई भी कातिल बच नहीं सकता और वही है जो इस काम को ठिकाने लगा सकता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा पो। रुकिए, मैं आपकी सोच बदलता हूँ। शेरी, तुम बनोगी मेरी चिपको असिस्टेंट और जाहिर है कि मंकी चंकी बनेगा मेरा पार्टनर, जैसा अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है। एक रूल के हिसाब से चलेगा तो दूसरा उसी रूल को फुटरूलर की तरह धोएगा। अब बैठकर सीढ़ी गरम मत करो, काम करो। सॉरी पो, गरम से मुझे कुछ याद आ गया। मुझे घर जाकर खिचड़ी गरम करनी है, बाय। ये कब से खिचड़ी खाने लगा? पता नहीं, जब से उसके पेट का खिचड़ा हो गया। तो फैसला हो गया, मैंटिस और शेरी तुम पो के साथ रहोगे। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है मास्टर शिफू, मैं एक ऐसा जासूस बनूंगा जो चोर चक्कों का जूस निकालेगा और उसे आइस डालकर पिएगा। याद आया, एक चमकीला दमकीला बिल्ला मिलेगा। चलो फूटो। जो हुकुम काका, कम से कम एक छोटा सा यूनिफॉर्म या ऑफिशियल छड़ी मिलेगी। सावधान, अपना खुला मुंह बंद रखो। शाबाश चिपको असिस्टेंट, तुम चोरी की रिपोर्ट तैयार करो। और तुम पंटर, जब भी मैं ओवर एक्टिंग करूँ तुरंत कट बोलना, समझ गए? कट। हम क्या फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? मिस्टर पिंग, आखिर चोर अंदर घुसा कैसे? मैं फ्री फंड के श्रीखंड का फंड तिजोरी में रखता हूँ। दरअसल वो चपड़ गंजू खिड़की तोड़कर घुसाया और मेरे बिछाए हुए जाल को पार करके सारे पैसे उड़ा ले गया। पुर, तुम्हारी फिल्म स्टोरी बहुत धांसू है। तब क्या आप खर्राटे मारकर सो रहे थे? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कैरेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टोरी कंटिन्यू, तुम लगी रहो। ए, ये देखो क्या मिला, चोर की खाल के बाल। लगता है चोर जब भाग रहा होगा तब निकल गई होगी। रुको, भागते हुए चोर की लंगोटी सुना था, ये तो यहाँ पर खाल छोड़ गया है? ये क्या? अब इसे चाट के चाट करोगे क्या? बेटा चाटने में टाइम खुटी मत करो, उस चोर ने गली के सारे दुकानदारों को लूटा है, सिर्फ एक को छोड़ कर, और वो है बाकेलाल। मतलब अगला शिकार वो होगा। तुम्हारे भेजे की दाद देनी पड़ेगी। दे ताली। लेना। तो चलो फिर, आज रात नुक्कड़ पर चोर का इंतजार करते हैं। वाह, जासूसी, मजा आएगा। सबसे पहले मैं पहरेदारी करूंगा, मेरे जैसे वॉचमैन से कोई बच नहीं सकता। कौन है, कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। कंडक्टर, घंटी बजा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं रुको, मेरा वड्डा चड्डा कहाँ है? फिर वही वड्डा चड्डा का सपना देखा क्या? बिल्कुल सही फरमाया तुमने। जाओ चुल्लू भर पानी में अपना चोकटा धोकर आओ, हमें रात भर जागना है। तुम्हारी शक्ल नहीं है पर अकल लाजवाब है, तुम्हारे भेजे में वाकई भेजा है इसलिए तुम्हें मेरे साथ भेजा है।
मैं एक मिनट के लिए गया और 10 मिनट में आया एक्शन के लिए। कौन है? रुक जाओ वरना ये ऑफिशियल ऑफिसर तुम्हें फोन कर रख देगा इस छड़ी से। ये तो मंकी स्टाइल है। ये नहीं हो सकता, मंकी और चोर। ये नहीं हो सकता, मंकी और चोर। बिल्कुल नहीं। कौन? चड्डा? अपने दिल से पूछो पो, तुम मंकी को अच्छी तरह जानते हो, वो चोर नहीं है। हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर वो सेम टू सेम मंकी दिखता है। तुम किस पर यकीन करोगे, अपनी आंखों पर या बोलते चड्डा पर? सवाल काफी मुश्किल है, थोड़ा सा इजी सवाल पूछो। गुड बाय पो। चड्डा रुको, हे अगर ये ऊपर है तो मैं क्या होइला? ये मंकी नहीं हो सकता, मुझे ये साबित करने के लिए प्रूफ इकट्ठा करना होगा और फिर एक चोर की तरह सबूत इकट्ठा करके मैंने चोर का पीछा किया। मैं रात भर पहरा देता रहा, तब तक शहरी और मेंटिस मस्त नींद मारते रहे। हाँ? तो तुमने कल रात कुछ नहीं देखा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। नो नहीं नथी जोयू, मैंने सच में किसी को नहीं देखा जिसे हम पहचानते हो। जानना पहचान? मैं तेरा मेहमान। हमें सिर्फ ये खाल की बाल का ही सबूत मिल पाया है। ये तो मुझे बंदर की खाल लगती है। इधर लाओ। बंदर की खाल? ये तुम्हारी कोई चाल है? चाल जरा ठीक से चलो। ज्यादा बोला तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। लेकिन मैं कैसे? टाइम खोटी मत करो, कम ऑन, ये प्राइम टाइम है, हमें क्राइम को रोकना है। चैन से सोना तो जागते रहो। तो तुम जागते रहो, हमें सोने दो। ओके। बाल बाल बच गए। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। पाया सूप तो नहीं पर खाल का सूप तो है। ये खाल के सैंपल बिल्कुल अलग है, इससे साबित होता है कि चोर की खाल मंकी के खाल से मैच नहीं करता। शहरी, ओ बेरी पोना, ओ हे पो, तुम इतनी रात को यहाँ चौकीदारी कर रहे हो? हाँ वो क्या है, मेरा पैर भारी है और मुझे रात में नींद में चलने की बीमारी है, मुझे अपने कमरे में जाना है। बाय बाय। मुझे भी सेम बीमारी है। ओके, तुम अपने पैरों को बंडू बाम लगाना, तब तक मैं वॉशरूम में जाकर कपड़े धोता हूँ। तुम अपनी चोरी चकारी जारी रखो, मेरा मतलब है कि तुम किसी पोरी गोरी की चौकीदारी करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। चाय खाली भी खाओ तब तक मैं नहीं देखूंगा। आई शपथ, जैसे मैंने कहा मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ, बहुत रात हो गई है। ओके गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। पका दिया। सेम टेस्ट है। ओह क्या तुम हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है, हाँ मैं ही हूँ, मुझे लगा ये वॉशरूम है, पर ये तो ड्राइंग रूम है ना। ये क्या? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। ये तो आटे की चक्की है,
तुम अभी तक गए नहीं पो? नहीं नहीं नहीं, जाता हूँ, बस अभी जाता हूँ। वो क्या है ना, मुझे कपड़े धोने के लिए एक्स्ट्रा तकिया चाहिए था। नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कि अब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम चैन से सो जाओ। फिकर नॉट, मैं हूँ ना, बाय। Bye.